गाइस वेलकम बैक टू म्यूजिक। तो भाई आज की हम बात करने वाले ऋषभ पंत के बारे में, लियोनेल मेसी के बारे में, देन महेंद्र सिंह धोनी के बारे में और बहुत कुछ मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सबसे पहले हम बात करने वाले लियोनेल मेसी के बारे में। तो गाइस रिसेंटली ESPN FC ने एक न्यूज शेयर किया था, मेसीज ब्रदर स्पोक अबाउट बार्सिलोना बिफोर मेसी। देन उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए नीचे लिखा था कि मेसी के ब्रदर ने क्या कहा, फॉर मी बार्सिलोना बिकम नो थैंक्स टू मेसी, नोबडी न्यू अबाउट देम बिफोर। तो गाइस मेसी के ब्रदर ने कहा है कि बार्सिलोना फेमस हुआ है तो वो मेसी की वजह से हुआ है, उससे पहले बार्सिलोना कोई नहीं जानता था। तो क्या गाइस आप इस बात से सहमत है, कमेंट्स अपनी राय जरूर दें। नेक्स्ट बात करने वाले महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो गाइस महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त रांची के फार्म हाउस में एंजॉय करते हुए नजर आए हैं। जॉन्स ने एक पोस्ट शेयर किया था, धोनी एंजॉयिंग हिज लाइफ इन फार्म, और गाइस का एक वीडियो भी शेयर किया जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दिन गाइस इसके बाद मुफद्दल बोहरा ने भी चीज को ट्वीट डाला था, MS धोनी एंजॉयिंग हिज टाइम इन फार्मिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले ऋषभ पंत के बारे में। रिसेंटली गाइस क्रिकेट ट्रैकर ने ट्वीट डाला था, ऋषभ पंत वाज इन्वॉल्व इन ए हॉरिफिक कार क्रैश इन December 2022। इस ट्वीट के साथ नीचे पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आई वॉन्ट हिम टू रिकवर सो दैट आई कैन गो एंड स्लैप हिम कपिल देव। तो गाइस कपिल देव ने एक स्टेटमेंट दिया था, जब ऋषभ पंत रिकवर जाएंगे तो मैं उनको जाकर एक थप्पड़ मारूंगा। तो गाइस उन्होंने ऊपर रीजन बताया था क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो चुकी है जिसमें ऋषभ पंत की बहुत ज्यादा जरूरत है टीम इंडिया को। देन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल भी 2023 में जिसमें टीम इंडिया को ऋषभ पंत की जरूरत है विकेट कीपर एंड हिटिंग बैट्समैन के तौर पर। नेक्स्ट हम बात करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज के बारे में। तो आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आज से शुरू हो चुका है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का डिसीजन लिया था। बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 2 रन पे 2 विकेट खो दिए थे, जिसे रेडेड जॉन्स ने ट्वीट डाला था, इंडियन पेसर्स ऑन फायर इन नागपुर। इस साथ ही उन्होंने वीडियो भी शेयर किया जो वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहला विकेट मोहम्मद सिराज ने उस्मान ख्वाजा का तौर पर लिया, देन दूसरा विकेट मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड करके लिया। तो आज की इस वीडियो बस इतना है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।